हद है यार, मतलब अरुदीप गजल को कोई ऐसे गाता है क्या भाई? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संदीप मौर्य और आप देख रहे हैं संदीप बॉलीवुड। और दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल से ही लगा होगा, मैं यहाँ पे हिमेश रेशमिया जी के नए गाने को रिव्यू करने आया हूँ। इस गाने का नाम है देखा तुझे तो लगा। तो जानते हैं ये गाना एक गजल फॉर्म में है, और मतलब क्या अरुदीप उनकी कसौटी पे खरा उतर पाए? क्या जिस तरीके गाना चाहिए था उस तरीके गा पाए? क्या ये गाना लोगों के दिलो दिमाग पे छा पाएगा? तो प्लीज 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 उसके लिए आप लोग मेरा पूरा वीडियो जरूर देखें, मैं पूरी बारीकी से इसको रिव्यू करूंगा। तो आइए हुजूर, चाहते हैं हम आप पे अपने इस वीडियो का सुरूर। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं इस गाने के रिव्यू को। सबसे पहले हम बता दें कि इस गाने के बारे में, इस गाने का नाम है देखा तुझे तो लगा, और ये गाना लॉन्च हुआ है हिमेश्वर मेलोडीज पे, मूड्स विद मेलोडीज एल्बम में। उसका ये 9th ट्रैक है। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर लिरिक्स राइटर हिमेश रेशमिया जी हैं, और इसके सिंगर हमारे लव बर्ड अरुदीप यानी कि अनुता कांजीलाल और पवनदीप रजान है। अब शुरू करते हैं गाने का रिव्यू। देखिए गाना शुरू होता है, जैसे ही अनुता का आलाप आता है, माने कि क्या आलाप लिया है, दिल से दिल तक आलाप गया उसने, जो समा बांधा है ना आलाप ने, मैंने जैसे ही सुना यार मैं पूरा गाने में डूब गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिल से गा रही हैं। और उसके बाद आती है हिमेश जी की शायरी। इस शायरी में मुझे इस बार काफ़ी खास बात लगी, मैं फ्रेंकली हिमेश में मेलोडीज़ को इस बारे में बोलना चाहता हूँ। उसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहें, लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो शायरी को थोड़ी देर किनारे रख देते हैं, और फिर आता है फिलर्स, जो तबले की थाप, जो तबला बजा रहे हैं पवनदीप रजान, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत आता है। और म्यूज़िक की बात कर लें, ओवरऑल म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं दिल से कह रहा हूँ जिस तरीके से कंपोजिशन है, थोड़ा अलग टाइप का कंपोजिशन है। हिमेश रेशमिया जी को मैं बहुत ही दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, माने कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे सेमी क्लासिकल म्यूज़िक को रिप्रेजेंट किया है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है आज के दौर में, बहुत ही बड़ी बात है इस तरीके से सेमी क्लासिकल को युवाओं के लिए रिप्रेजेंट करना। जिस तरीके से उन्होंने इसकी म्यूज़िक अरेंजमेंट कराई है, जिस तरीके से म्यूज़िक बनाया है, जिस तरीके से गवाया है, माने कि दिल से दिल तक जा रहा है। और एक गज़ल को इतने मॉडर्न तरीके से पेश किया, इसको मॉडर्न गजल बोल सकते हैं कि अब गजल भी युवाओं को अच्छी लगेगी, मैं ये दावा करता हूं। आप जब सुनेंगे खो जाएंगे, जिस तरीके से म्यूजिक के पीसेस है, जिस तरीके बीच में फिलर डाले गए, जिस तरीके से तबला बज रहा है, जिस तरीके से क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए, माने कि दिल से दिल तक गया है, इसको कहते हैं मास्टर पीस ऑफ म्यूजिक। और हिमेश रेशमिया जी को बहुत बहुत थैंक यू कि जिस तरीके से हमारे सेमी क्लासिकल म्यूजिक को रिप्रेजेंट किया है, लोगों के दिल तक जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक है, माइंड ब्लोइंग सुपर्ब हिस्ट्री। और अब बात करते हैं लिरिक्स की, माने कि इस गाने के लिरिक्स आप देखिए, जो लिरिक्स लिखी हैं यार, मतलब मैं हिमेश जी को क्या बताऊं, लिरिक्स में भी माहिर होते जा रहे हैं। इसकी एक एक लिरिक्स आपको दिल से दिल तक फील कराएंगी, सुकून भरी लिरिक्स हैं। और ये लिरिक्स आप तब फील कर पाएंगे जब किसी से लव एट फर्स्ट टाइम होता है, आप कभी किसी शादी पार्टी में कहीं जाते हैं, किसी को प्यार करते हैं, पहली बार उसको देखते हैं, एक दूसरे से आई कॉन्टेक्ट होता है, उस समय आप लोग यही फील करते हैं। और अगर मैं गारंटी बता रहा हूँ, कहीं जाए आपको आंखों आंखों में प्यार हो जाए, नजरें टकराएंगे, अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा हो ना, तो सोने पे सुहागा यार, माने कि जो सुकून भरा गाना है, जिस तरीके से सुकून से इसके लिरिक्स बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब हम बात करते हैं सिंगिंग की। सिंगिंग देखिए, अनुता कांजीलाल की सिंगिंग, जैसे ही आलाप तो माइंड ब्लोइंग हाई है, जैसे ही अब उनका गाना स्टार्ट होता है पहली बार में, आप सुनिए जिस तरीके से उन्होंने हरकतें ली हैं, जिस तरीके से गाना गाया है, माने कि दिल से दिल तक गया है। अनुता कांजीलाल की एक एक लाइनें, एक एक वर्ड, एक एक स्वर, एक एक श्रुति आपके दिल तक जाएगी। जिस तरीके हरकतें ली हैं, जिस सुकून में गाया है, माने कि सच्चा, जैसे कोई सच्चा प्रेमी गा रहा हो, सुकून से गाया है। आप सुकून में इस गाने को सुनिएगा, आप डूब जाएंगे इस गाने में। जो इस गाने में मैंने पाया, बहुत दिनों बाद कोई ऐसी कंपोजिशन आई है जिसमें सेमी क्लासिकल म्यूजिक का तड़का लगा के उतना खूबसूरत गाया, और अनुता कांजीलाल ने इसमें चार चांद लगा दिए हैं। आप अंतरे भी अनुता कांजीलाल ने दोनों गाए, बहुत ही खूबसूरत गाए हैं, माने कि मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं फ़ैन हो गया हूँ। और उनके एक्सप्रेशन देखिए कैसे सुकून से गा रही हैं, वो तो माहिर हो गई हैं अब। और उसके बाद पवनदीप रजान की वीडियो में मेन आकर्षण का केंद्र रहे हैं हमारे पवनदीप रजान। पवनदीप रजान जिस तरीके से तबला बजा रहे हैं, आपको पता है कि वो मतलब बहुत ही मास्टर हैं, कई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं, इसीलिए उनको हम लोग ऑलराउंडर बोलते हैं। जिस तरीके वो तबला एकदम खो के डूब के बजा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हालांकि इस गाने में पवनदीप की सिर्फ दो ही लाइनें दी गई हैं, सेम लाइनें, लेकिन उसको भी काफ़ी बखूबी निभाया। अगर मैं आपको बोल दूँ, ये गाना
पवनदीप की लाइनों ने एक ऐसा काम किया है, माने कि जैसे आप समोसा खाते हैं, अगर उसमें आलू ना हो तो समोसा बेकार होता है। सेम वही फील पवनदीप की इन दो लाइनों ने दिया है। भला ही दो लाइनें हैं लेकिन इस गाने को चार चांद लगाए हैं। अगर इस गाने में पवनदीप रजन की वो दो लाइनें ना होती तो इस गाने की ब्यूटी निकल के ना आती। उनकी आवाज़ सुनिए, उनकी डेप्थ देखिए, उनका स्टाइल देखिए, जिस तरीके गा रहे, देखा तुझे तो लगा, माने कि चार चांद लगा रहे इस गाने में। और अनिता कांजीलाल पवनदीप रजन जब मिल के गाते हैं तो लगता है कि सच्चे लव बर्ड्स गा रहे हैं। उनकी फीलिंग्स लोगों के दिल में उतर रही हैं, जिस तरीके से उनकी आवाज़ निकल के आ रही है, मैं दावा हूँ, मैं शोर बोल रहा हूँ कि ये गाना आपके दिल से दिल तक जाएगा। आप इस गाने को ज़रूर सुनें। और इस गाने को मेरी पर्सनल चॉइस है यार, ये गाना नंबर वन ट्रेंडिंग में आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ऐसे म्यूज़िक को बढ़ावा देना है। और हिमेश शर्मा जी को थैंक यू सो मच, जिस तरीके से गाना कंपोज़ किया है और बीच में म्यूज़िक के फिलर्स हैं, जिस तरीके से क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं दिल से मैं बहुत बड़ा फैन हो गया हूं इस गाने का। ओवरऑल गाना माइंड ब्लोइंग सुपर्ब हिस्ट्री है, और आप लोग इस गाने को जरूर देखें। और अनिता कांजीलाल और पवनदीप रजन, इससे अच्छी चॉइस तो हो ही नहीं सकते थे, जिस तरीके से इन दोनों ने डूब के इस गाने को गा दिया है। तो आप लोग इस गाने को जाइए फैला दीजिए। और हां, अब हम बात करते हैं हिमेश जी की शायरी की। जैसे तेरे नूर से रोशन शामो शहर है, तेरा रूबरू होना रब की मेहर है, कि जैसे मैंने शुरू में बताया था। देखिए, जैसा कि आपको पता होता है कि यहाँ पे सच्चे रिव्यू होते हैं। आप देखते हैं कि हिमेश में मेलोडीज़ का जो भी गाना आता है, हिमेश जी ने एक स्टाइल सेट कर रखा है, पहले शायरी फिर गाना। तो इस बार मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पहले आलाप आया, लेकिन आलाप के बाद मुझे पर्सनली फील हुआ कि रियल में बहुत अच्छा काम किया, इसमें शायरी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही यार म्यूज़िक का फिलर आता है और हिमेश जी की आवाज़ आती है, तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे शायरी डालने की कोई ज़रूरत थी, वहाँ पे शायरी नहीं होनी चाहिए थी। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि शायरी ने मुझे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आप ये गाना सुनिए, आलाप इतना सुकून का है, जो शायरी बोली है हिमेश जी ने वो फील भी नहीं ला पाए हैं। एक गज़ल का फील था, जिस तरीके से उन्होंने हल्का सा अग्रेशन में बोल दिया, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस टाइप की शायरी की कोई ज़रूरत थी। हाँ, अगर आपको शायरी डालनी थी तो आप थोड़ी जगह पहले बना सकते थे, कोई भी सरोद पे या कुछ भी कॉर्ड पे, कोई भी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट पे धीमा बजा के शायरी बोल के उसके बाद ये गाना स्टार्ट किया जा सकता था। तो मुझे लगा कि शायरी ने डिस्ट्रैक्ट किया टोटली, बीच में नहीं होनी चाहिए थी, अगर होनी चाहिए थी पहले होनी चाहिए थी। लेकिन वो हर एक गाने में सेम फील अच्छा नहीं लगता, गज़ल के अकॉर्डिंग ही शायरी का फील होना चाहिए था, तो मुझे ये लगा। तो मैंने ये बताया, आप लोगों में से कितने लोग मेरी बातों से मतलब एग्री है कि मैंने सही कहा या नहीं कहा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओवरऑल गाना बहुत 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 अच्छा, और अगर आप पवनदीप रजन, अनिता कांजीलाल, हिमेश में के फैन हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, संदीप मौर्य चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, मेरी इंस्टाग्राम आई डी Himesh4Time07। आपने इतना प्यार दिया, प्लीज़ मुझे प्यार देते रहें। गाना सुपर माइंड ब्लोइंग, और यार मैंने शुरू में कहा ना, हद है यार, कोई गज़ल ऐसे गाता है, सच्चाई है यार, माने कि फाड़ के रख दिया इन दोनों ने, जिस तरीके से गाया है, मैं टोटली बहुत बड़ा हो गया हूँ। जय माता दी, जय हिंदुस्तान, लव यू ऑल, लव यू ऑल।